वो वृंदावन के परमेश्वर से हुआ करते थे। उनका कहना था कि हे बांकी बिहारी, आप हमें कभी अपने गलियों से अलग ना करना। उनके लिए देश विदेश से ऑफर आया, लेकिन वो वृंदावन छोड़ते कहीं नहीं गए। रशिया पागल बाबा, उनका एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, तेरी गलियों का हुआ तू एक नगीला तेरी नजरों से मुझे Thank you.
भगवान अपने भक्त को खुश रखने के लिए स्वयं द्रौपदी मैया के चप्पल को भी उठाने का काम किया। ऐसे है हमारे ठाकुर जी जिनके कथा में हम सभी उपस्थित हैं। कामना करेंगे हे प्रभु इतना तो करना स्वामी जब काम से निकले गरीब नाम ले खरे उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम चॉकलेट लेके आते जाना श्री राधे को साथ और कुछ भाग्या मरने के समय मनुष्य को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है गर्भ पुराण में पढ़ने जाएगा और सामने वाले को वो आदमी देखता है अन्य कोई नहीं देख पाता लेकिन वो देख रहा अगर धार्मिक पुरुष है अबे स्टेबल आ रहे और मजबूत तो को देख करके वो क्या होता है डर के मारे बोलना चाह रहे हैं बोल नहीं पा रहे डर के मारे। लेकिन दादा भीष्म ने कहा कि हे गोविंद जब मेरी तीन जन आए बाप अर्जुन बोले की छह जन आए थे उनसे जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना और सब कुछ बता दिया कर क्या पिता बड़ी कसी हो पिता बड़ी आप पहले और पीताम्बरी कसी हो अभी मन में ये कसी हो और तुम्हारे और मेरे दोनों के ध्यान देना जिस समय हमारी मृत्यु हो उस समय आपके और मुझे दोनों के मुखमंडल पर क्या होनी है पीताम्बरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो और होठों पे कुछ हंसी हो तब प्राण कथा जीवन को संवारता भी है और जीवन को सुधारता भी है। भैया को दिखाई
से बांके बिहारी से बाबा विष्णु ने आज हम सभी सस्तम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। राम कथा, आइए दो बार सब मिलकर बैठते हैं उसे। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम। रोने के क्रम में उसकी आवाज में वो ध्वनि देखी है।